मंदिर पर अन्नकूट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्साह के साथ भक्तों ने भाग लिया। इंद्रनगर स्थित तलाई एरिया में सांवरिया सेठ मंदिर पर गोवर्धन पूजा के अवसर पर अंकुट का वितरण किया गया। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह से ही विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए गए, साथ ही महिलाओं द्वारा गोवर्धन बनाकर उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की गई तथा गोवर्धन भगवान को अंकुट के प्रसाद का भोग लगाया गया। उसके पश्चात सभी जगह स्थित कृष्ण मंदिरों में अंकुट की प्रसादी का वितरण किया गया। नीमच की जनता प्रसादी लेने के लिए अत्यधिक मात्रा में मंदिरों में पहुँची। यह आयोजन किया जा रहा है, ये भगवानपुरा तलाई ग्वाला डैम नीमच सिटी पुलिस थाने के पास में ये आयोजन किया जा रहा है। इस मंदिर को निर्माण हुए 3 वर्ष हो चुके हैं। लगातार 3 वर्षों से हम अन्नकूट का आयोजन कर रहे हैं। वर्ष अनुसार इस वर्ष भी हमने अन्नकूट का आयोजन सभी समाज जनों के सहयोग से किया है। यह अन्नकूट का विशेष आज ही के दिन को इसका थोड़ा महत्व आज गोवर्धन पूजा के दिन इसका प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हम अन्नकूट का आयोजन कर रहे हैं। इस दिन सारी सब्जियों को हम भगवान श्री कृष्ण भगवान चरणों में सांवरिया सेठ मंदिर के समिति द्वारा भोग लगाकर आज के दिन सारी सब्जियों का एक सब्जी बनाकर अन्नकूट का आयोजन करते हैं। हम तो सारी सब्जियां मिक्स कर ली जाती है। ये जन्माष्टमी समिति नीमच सिटी द्वारा कृष्ण मंदिर है सांवरिया सेठ का, यहाँ पे 3 वर्षों से ये अन्नकूट का वितरण कर रहे हैं। हम हर साल की तरह इस साल भी सभी लोगों का सहयोग लेकर अन्नकूट वितरण करते हैं प्रसादी के रूप में गोवर्धन के।